करती हूँ आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो कोच में। कल मैंने एक वीडियो डाला था अपना, अगर आप सब ने देखा होगा, 2024 के प्रिडिक्शन से रिलेटेड था वो। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हमने बताया था आपको कि वर्ष 2024 कैसा जाएगा नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 वालों के लिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ नंबर 6, 7, 8, 9 वालों के लिए कैसा जाएगा 2024 ईयर, इसके बारे में हमारा आज का ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, बट उससे पहले आपको सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करना है। हमारे इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा, सो दैट जब भी कोई नया वीडियो आएगा हमारे चैनल से आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे और आप देख पाओगे। तो ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर 6 का रूलिंग प्लैनेट कौन सा है, वीनस प्लैनेट। 6 किन किन लोगों का होता है, जिनका बर्थ डेट का टोटल 6 आए या फिर उनका डेस्टिनी नंबर भी 6 हो, उन सबका रूलिंग प्लैनेट शुक्र ग्रह है, वीनस प्लैनेट है। जो लोग 6 को बॉर्न हुए हैं, 15th को बॉर्न हुए हैं और 24th को बॉर्न हुए हैं, देखिए 2024 में भी 24 है और 6, तो आप सोचो 6 नंबर वालों का ये बेस्ट ईयर जाने वाला है, बहुत अच्छा जाएगा। 6 ईयर का फेवरेबल ईयर रहेगा, 2023 आपका जैसा भी गया हो बट 24 आपका बहुत अच्छा जाएगा। आप लोग एक रेमेडी कर सकते हैं छोटी सी, 24 लिखना यहाँ पे शुक्र पर्वत पे स्टार्ट कर दीजिए, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपके करियर में, आपकी हेल्थ वेल्थ प्रोस्पेरिटी में। देखिए 6 नंबर वाले जो लोग होते हैं इनको अपनी लाइफ में लग्जरी, पैसा ये सब बहुत मिलता है और बहुत पसंद करते हैं। इनको बोला जाता है प्लैनेट ऑफ लव एंड मनी। मेरे पिछले वीडियो में अभी आपने देखा होगा, आई बटन पे क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा उसका लिंक, कि शुक्र ग्रह का मैंने पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है। शुक्र ग्रह लक्ष्मी माँ की कृपा रहती है। डाइटिंग की बात करूँ तो लक्ष्मी माँ की पूजा कीजिए, फ्राइडे को फास्टिंग कर सकते हैं, तो उन लोगों का शुक्र ग्रह बहुत बलवान होता है। शुक्र ग्रह जो है आपको 24 में, आप देखिए कर्म फलदाता शनि, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क और शुक्र ग्रह को लगता है लग्जरी, पैसा ये सब आपको कब मिलेगा, जब आप शनि के अकॉर्डिंग काम करोगे। लॉयल्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शुक्र ग्रह वालों को बोला जाता है कि फ्लर्टिंग नेचर बहुत होता है इनका, अफेयर्स वगैरह भी होते हैं इनके, ऐसा बोला जाता है ना, मैं सबके लिए नहीं बोल रही बट हाँ बहुत दिख गया है ऐसा। तो शुक्र ग्रह वालों को एक सलाह दी जाएगी 2024 में कि आप लोग अपना ये जो ईयर है इसमें आप थोड़ा सा सावधानी बरतिए, अपने पार्टनर्स के साथ, अपने रिलेशनशिप में, अपने काम के प्रति हर तरफ आपको लॉयल रहना है। लॉयल्टी ही आपको ऊंचाइयों तक लेके जाएगी इस साल और बहुत अच्छा जाएगा आपका ये ईयर। देखिए लॉयल रहना बहुत ज़रूरी है अपने रिश्तों में, अपने काम को लेकर भी अगर आप लॉयल रहोगे तो वैसे भी आपको गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। शनि की जो एनर्जी है ना वो स्टेबिलिटी की है, ठहराव की है, और वीनस प्लैनेट है वो है एनर्जी एंटरटेनमेंट की है। तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग काम करते रहोगे, आराम आराम से अपना जो भी आपको प्रोफेशन में आप जाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो उसको बहुत ही ठहराव से, बहुत आराम से इस पर रिसर्च करो कि आपको क्या करना है। अगर आप सोशल मीडिया में हो या फिर अकल्ट साइंस में हो, एस्ट्रोलॉजी में हो, किसी में भी हो, ठहराव से, स्टेबिलिटी से सीखो, आराम से रिसर्च करो, फिर आगे बढ़ो, फिर देखो आपको कैसे सक्सेस मिलती है। अपने पार्टनरशिप्स का अगर बिजनेस है तो उसमें लॉयल रहो, तो शनि आपको फल देगा, कर्म फलदाता आपको फल देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपने फॉलो की,
हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। मतलब ये समझो कि 24 में अगर आपको बहुत पुरानी भी कोई बीमारी चल रही तो वो बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सर्जरी थी तो हो सकता है वो सर्जरी हो ही ना कि इतना अच्छा आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग जाने वाला है आपका 2024। एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में जा सकते हो, ट्रैवलिंग बहुत हो सकती है आपकी। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो ओवरसीज है तो आपको ट्रैवलिंग बहुत करने मिलेगी इस बार, और ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। इंक्रीमेंट पेंडिंग है, प्रमोशन पेंडिंग है, तो इस साल आपको ज़रूर मिलेगा। बट कर्म अच्छे करते रहिए 2024 में। देखिए, अगर आप पॉलिटिक्स में भी देखो, इलेक्शंस होंगे ना अगर किसी भी स्टेट में या किसी कंट्री में, तो इस बार कर्मों का हिसाब होगा। अगर आप पहले जीते थे, रूल कर रहे थे, आपने अच्छा नहीं किया अपने डेली वेजेस वाले एम्प्लॉयज के साथ या फिर अपने वर्कर्स के साथ, तो आपको इस साल वो सब कर्मों का फल मिलने वाला है। तो संभल जाइए थोड़ा सा अभी से। और अगर मैं आपको बताती हूँ अब इसकी रेमेडीज जो कि आपको नोट करनी होंगी, कुछ एंजल नंबर हैं जो कि आपको रेड नंबर पेन से लिखने हैं। तो एक एंजल नंबर आप नोट कीजिए, रेड पेन से लिखिएगा 611 रेड पेन से लिखना है, जिसको म्यूकस की प्रॉब्लम रहती है, म्यूकस डोमिनेटिंग जिनका बॉडी रहता है, सिक्स नंबर वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, तो उनको 611 रेड पेन से कहीं भी लिखना है अपनी बॉडी पे। कैंडल आपको स्पार्कलिंग वाइट जलानी है, उससे आपका शुक्र ग्रह बलवान होगा, मजबूत होगा। कलर की बात करूं, चमकदार कलर, वाइट कलर सबसे ज्यादा बेस्ट कलर है। क्रिस्टल, हीरा, जरकन ये पहनोगे तो आपका अच्छा रहेगा। ग्रोथ और वेल ग्रूम्ड रहना चाहिए आपको, ग्रोथ के लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रूमिंग करनी चाहिए अपनी। मतलब अच्छे से आप कपड़े पहनिए, कहीं कुछ फटा वटा नहीं होना चाहिए, अच्छे से बाल बनाइए, अच्छे से मेकअप करिए, मतलब बहुत वेल ग्रूम्ड आप रहोगे तो ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने साथ स्काई ब्लू कलर का पेन रखिए, हैंकी रख सकते हैं, स्काई ब्लू कलर का ट्राइंगल बना के कहीं आप लगा सकते हैं सामने जहाँ पे आपका वर्क प्लेस है। और अगर वास्तु के अकॉर्डिंग देखें तो डायरेक्शन है आपकी साउथ ईस्ट, जो कि आपकी बेस्ट डायरेक्शन मानी गई है विनस प्लैनेट वालों के लिए। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज थी, कुछ उपाय थे, कुछ एंजल नंबर्स थे जो मैंने आपको दिए आज। ये आप नोट कीजिए, इनको फॉलो कीजिए, फिर बताइए मुझे कि आपका 2024 और 2023 में कुछ डिफरेंस आया या नहीं आया, और कुछ लगा आपको कि आप रिलेट कर पा रहे हो या नहीं, वो जरूर कमेंट्स करके बताया कीजिए आप। तो अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट प्लैनेट, दैट इज नंबर 7 केतु प्लैनेट। तो जिनका भी बर्थ डेट 7 आता है टोटल करके और डेस्टिनी नंबर 7 आता है, मींस जो लोग 16 को बॉर्न हुए, 7th को बॉर्न हुए या 25th को बॉर्न हुए, उनका रूलिंग प्लैनेट कौन है? केतु। केतु क्या है? डिटैचमेंट है, स्पिरिचुअलिटी एंड डिस्टैचमेंट। शिव जी का तीसरा नेत्र भी बोला जाता है केतु को। केतु जिस भी हाउस में रहता है ना, कुंडली के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, वो उस हाउस से आपको डिटैच करा देता है। आपको ऐसा फील, आप मोक्ष, आपको ऐसा लगता है मुझे किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मोह माया से मैं दूर हूं, ऐसी फीलिंग आने लगती है आपको। किसी भी चीज में आपका मन नहीं लगता है, किसी भी काम में आप पूरी तरह से नहीं करते हो, केतु आपका वीक पोजिशन है। ये मैंने आपका अपना लॉन्ग वीडियो बनाया है, उसमें आप चेक जरूर कीजिएगा क्या क्या प्रभाव है केतु के आपके जीवन में, क्या क्या रेमेडीज हैं, छोटी छोटी रेमेडीज भी बताई हुई है मैंने आपको, वो सब आप देखा करिए। और अगर आप गॉड की बात करो, डाइटी की बात करो, तो विष्णु भगवान की पूजा कीजिए, गणेश भगवान की पूजा करिए, नरसिंह अवतार माना जाता है केतु को। तो अगर आप एंजल नंबर देखो तो एंजल नंबर आपको लिखना है, कंसंट्रेशन के लिए है क्योंकि डिटैचमेंट है ना, ये 662 ये है इसका एंजल नंबर, 662 आपको करना है केतु का, ठीक है।
और जो भी आप काम करते हो ना उसको डेडिकेशन के साथ करना होगा आपको इस साल। हर एक एक्शन अपना डेडिकेशन के साथ कीजिए, ये नहीं कि आज कर लिया कल करने का मन नहीं है, मन कर भी रहा है कर रहा है नहीं कर रहा है, इस तरीके से नहीं। डेडिकेटेडली कोई भी काम करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी आपको। शनि भगवान है, देख लेंगे। कर्म आपको डेडिकेटेड करने से ही रिजल्ट मिलेंगे, नहीं करोगे तो आपको डिटैचमेंट होगा, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ग्रोथ नहीं मिलेगी। केतु को मोक्ष बोला जाता है, शनि को वैराग्य बोला जाता है, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो रिजल्ट्स आपको इस साल अच्छे मिलेंगे बट अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं मिलेगा कुछ भी। अपनी हेल्थ पे इस साल आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, खान पान पे ध्यान रखिएगा और थोड़ा सावधानी बरतिएगा तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। ये साल आपका पार्टनरशिप बिजनेस के लिए काफी फेवरेबल रहने वाला है, पार्टनरशिप का कोई भी काम आप स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं बताती हूँ आपका फेवरेबल कलर कौन सा रहने वाला है इस साल, जिसके कपड़े पहन सकते हो, जिसका आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स में अपनी वर्क प्लेस में चेंज कर सकते हो। कलर है आपका ग्रे और ब्राउन, लाइट लीजिएगा, डार्क नहीं, ग्रे कलर और ब्राउन कलर, ठीक है। और कैंडल्स आप मिल्की व्हाइट या ब्लैक कलर की कैंडल्स बर्न करोगे तो आपको फेवर करेगा। क्रिस्टल, लहसुनिया, कैट्स आई और स्मोकी क्वार्ट्ज अगर आप पहनोगे दैट विल बी फेवरेबल फॉर यू। अगर मैजिकल एक रेमेडी जो कोई नहीं बताता, अगर आप ब्लैक कलर के अम्ब्रेलास का छाते का डोनेशन करते हो, उससे आपका केतु बहुत स्ट्रांग होगा, आपको बहुत ही ज्यादा ग्रोथ मिलेगी और बहुत अच्छा आपका ईयर जाएगा 2024। ये मैजिकल रेमेडी है। क्या करना है आपको, किसी भी मंदिर में जाइए, गरीबों में जाइए, बस्ती में जाइए, ब्लैक कलर के अम्ब्रेलास लीजिए, छाते लीजिए और उनको डोनेट करना स्टार्ट कीजिए, या फिर आप ब्लैक कलर के ब्लैंकेट्स वगैरह भी डोनेट कर सकते। वास्तु के अकॉर्डिंग डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपको फेवर करेगी। 7 नंबर वाले लोग थोड़ा सा डायरेक्शन का ध्यान दीजिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपको फेवर करेगी, उसमें आप अपना काम कीजिए। वर्क प्लेस अगर वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो टेबल चेयर वहां पे लगा लीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये कुछ उपाय थे 7 नंबर वालों के लिए, इनको फॉलो कीजिए। कुछ पूछना है या कुछ और जानना चाहते तो हमारे नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए, इन पे आप कॉल करके कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। अब मैं आती हूँ शनि देव पे, प्लैनेट नंबर 8 सैटर्न पे आती हूँ। जो लोग 8th को बॉर्न हुए हैं, 26th को बॉर्न हुए हैं और जिनका डेस्टिनी नंबर आता है 8 और 17th को बॉर्न हुए, उनका रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न। अब सैटर्न का ईयर भी चल रहा है और आप भी 8th बोर्न हो तो बहुत ज्यादा अच्छा साल जाएगा इस बार आपके लिए, बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। आपने अभी तक अगर बहुत अच्छे काम किए हैं तो बहुत अच्छा फल मिलेगा, प्रॉपर्टीज खरीदोगे इस बार आप, प्रॉपर्टी का बिजनेस है तो ऊंचाइयां छुओगे, रियल एस्टेट का बिजनेस है ऊंचाइयां छुओगे। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो डेली वेजेस वाले, जिसमें वर्कर्स हैं, इस तरीके से कुछ भी काम करते हो और उनके साथ अच्छा रहते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आपका 2024 समझ लो कि चांदी चांदी है, बहुत बढ़िया जाने वाला है। तो देखो शनि का साल है, कंसिस्टेंसी में रहते हो, आलस छोड़ो, सबसे ज्यादा शनि की दशा चलती है तो लोगों को आलस बहुत आता है, पर अगर उच्च का शनि है, स्ट्रांग है कुंडली में, तब देखो आपको कहां से कहां लेके जाता है। तो ठहराव लाओ अपने जीवन में, लोगों के साथ अच्छा करो, कर्म फल दाता आ चुके हैं और आप तो वैसे भी, आप क्या तो रूलिंग प्लैनेट ही शनि है तो आप तो उसके अकॉर्डिंग अगर पहले से भी काम कर रहे हो तो बेस्ट है। बाकी हमारी लॉन्ग वीडियो में आप चेक कीजिएगा, कुछ दिन पहले मैंने डाली थी सैटर्न की वीडियो, उसमें आप चेक कीजिएगा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या प्रभाव होते हैं, क्या क्या छोटी छोटी रेमेडीज जो आप कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग आप देखो। अब देखो हर चीज आपकी अच्छी जाने वाली है,
कॉन्शियसली आपको चूज करने होंगे अपने एक्शंस, उन पर ध्यान दीजिए कि आप अपने एक्शंस अच्छे से करो, विश फुलफिलमेंट होगा इस बार आपका, प्रॉपर्टीज लोगे, प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे थे तो ये बेस्ट ईयर है, इस बार ले डालो, बहुत अच्छा रहेगा आपका, हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका लकी ईयर मान के चलो आप, 2023 से बहुत अच्छा जाएगा ये वाला आपका, ठीक है। अब एंजल नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए 551, जो कि आपको ब्लू या ब्लैक पेन से लिखना है अगर आपको एरिथ्राइटिस की प्रॉब्लम है, शनि की जिनका रूलिंग प्लैनेट होता है उनको एरिथ्राइटिस की जोड़ों की प्रॉब्लम रहती ही है, तो उनके लिए एक मैजिकल नंबर है एंजल नंबर 551, जो ब्लू या ब्लैक कलर के पेन से आपको लिखना है अपनी बॉडी पे कहीं भी। डाइटी तो ऑब्वियसली शनिदेव है, उनकी पूजा करिए, ब्लैक डोनेशन करिए, ब्लैक दाल दूध दीपक चला सकते हैं, ये सब मैंने अपनी लॉन्ग वीडियोस में बताया हुआ, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, वहां से चेक कर लीजिए। कैंडल ब्लैक और ग्रीन कलर की जलाएंगे तो अच्छा होगा। सैटरडे है दिन, कलर ब्लैक और ब्लू फेवरेबल कलर है आपका, लाइट करिए इसको भी। क्रिस्टल नीलम और ब्लैक टर्मेलिन ये आप अगर धारण करते हो, पहनते हो तो आपका अच्छा रहता है। एक ऐसी रेमेडी मैं आपको बताऊं जो किसी ने नहीं बताई अभी तक, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग है, नीम की दातुन अगर आप डेली करोगे तो आपका शनि बहुत ज्यादा बलवान होगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। नीम की दातुन, जो नीम की डंडी होती है ना, उससे थोड़ा सा पिछले जमाने में गाँव में लोग अभी भी करते हैं, शहरों में नहीं मिलती है, बट अगर मिल जाती है तो वेल एंड गुड, करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, वास्तु के अकॉर्डिंग, वेस्ट डायरेक्शन बेस्ट मानी गई है शनि के लिए, तो वेस्ट डायरेक्शन में देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं है, चेक कीजिए कंपास से किधर है, उस पे अपना काम करना स्टार्ट कीजिए, बाकी सब कुछ अच्छा ही अच्छा है आपके साथ। तो अब मैं चलती हूँ नंबर 9 के। 9 मीन्स मार्स प्लैनेट, मंगल, बहुत तेज प्लैनेट है। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनका रूलिंग प्लैनेट होता है मार्स? जो लोग 18th को बॉर्न हुए, 9th को बॉर्न हुए और 27th को बॉर्न हुए, उनका रूलिंग प्लैनेट है मार्स, मंगल। तो मंगल वालों के लिए कैसा जाएगा? मंगल वालों के लिए थोड़ा सा है दिक्कत, दिक्कत नहीं कह सकती, वही सब प्लैनेट्स में जो मैंने बोला आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग तो अच्छा जाएगा। जब भी आप कुछ बोलोगे, कुछ कहोगे किसी से, अपनी वाणी पे आपको कंट्रोल रखना होगा 2024 में। कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचिएगा, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक, वरना दिक्कत हो सकती है। सोच समझ कर कुछ भी करिए। अपना जो आपका ये साल है 2024, इसमें आपको थोड़ा सा डीप थिंकिंग करना होगा, लोगों से सलाह लीजिए तभी कोई काम कीजिए, लोगों से पूछ के कीजिए, जो भी आपके पेरेंट्स हैं, आपके गुरु हैं, जो आपसे ऊंची पोस्ट पे, उनसे सलाह मशवरा कीजिए तभी कोई काम कीजिए, ऐसे ही मत कूद जाइए तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, लक फेवर नहीं करेगा अगर आपने उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया। मंगल चाहता है तेज, शनि चाहता है ठहराओ, तो बहुत ऑपोजिट हो गया। माइंडफुल टेक्निक्स फॉलो कीजिए इस साल, मेडिटेशन, योगा, ध्यान, ये सब करना पड़ेगा आपको इस साल, वरना आपको लक फेवर नहीं करने वाला, ग्रोथ नहीं मिलने वाली, और आपको थोड़ा सा हेल्थ पे भी कॉन्शियस रहना होगा इस साल। जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उसका अभी इफेक्ट रहेगा आपको अगले साल भी, तो थोड़ा सा कॉन्शियसली रहिए अपनी हेल्थ को लेकर, शनि के अकॉर्डिंग काम कीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 9 नंबर और 1 नंबर वालों के लिए, थोड़ा सा दिक्कत वाला साल है तो आपको थोड़ा उसके अकॉर्डिंग रहना ही पड़े, नहीं तो कर्म फलदाता आ रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ करेंगे, कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। सबके साथ अच्छे से रहिए, अच्छा बोलिए। तो प्लैनेट 9 वालों के लिए एंजल नंबर आप नोट कीजिए 8863292, 8863292। ये बीपी वगैरह की प्रॉब्लम बहुत रहती है नंबर 9 वालों को, रेड पेन से अगर वो ये लोग नंबर लिख लेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और गॉड तो सबको पता है, मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा कीजिए, सूर्य भगवान की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ के सोइए, ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं जो आप कर सकते हो इसको बलवान करने के लिए, मंगल के प्रभाव को कम करने के लिए।
कैंडल ऑब्वियसली रेड एंड या ऑरेंज आप जला सकते हो, कलर आपके लिए रेड और ऑरेंज लाइट कलर का ही रहेगा, उसके कपड़े पहनो फेवर करेगा। क्रिस्टल, ब्लड स्टोन और कोरल ये आपके लिए फेवरेबल रहेगा, ये आपको फेवर करेगा, ये दोनों क्रिस्टल्स आप धारण कर सकते हो। देखिए वैदिक के हिसाब से अगर आप देखो तो मैजिकल रेमेडी जो है जो कोई नहीं बताता वो है मीठा बनाना, मीठा बनाना। और घर में अनार का अगर आप पौधा लगाओगे, पेड़ लगाओगे अनार का, तो वो आपको मैजिकली ग्रोथ देगा, वेल्थ देगा, प्रोस्पेरिटी देगा, तो हो सके तो लगाओ अनार का पेड़ अपने घर में और मीठा बांटना स्टार्ट करो। वास्तु के अकॉर्डिंग साउथ डायरेक्शन आपके लिए फेवरेबल डायरेक्शन है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें थी जो आपको मैंने बताई आज 2024 के बारे में। तो आशा करती हूँ कि आपका 2024 ईयर सब लोगों के लिए बहुत अच्छा जाएगा। हमारी टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं नए साल की। तो मैं कोशिश करूंगी कि अपने द्वारा आपको ऐसी ही कुछ कुछ छोटी छोटी जानकारियां आगे भी देती रहूं, बट उसके लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली वालों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, वो भी जानेंगे उनका 2024 ईयर कैसा जाने वाला है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए और हमें सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिए। हर हर महादेव।